जो उप मुख्यमंत्री खुद चार्ज सीटेड है, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अभिवादन कर रहे हैं, उन्होंने हाथ हिलाकर बड़ी ही भाव भंगिमा जो जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री चार्ज सीटेड हो, वो राज्य में कैसे सरकार चलेगी, कैसे बढ़े। और देखिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहाँ पर मौजूद है। समाज कल्याण मंत्री जो बिहार सरकार के हैं, उनके बेटे से रंगदारी मांगी जा रही है। दस मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ में तेज प्रताप यादव भी आज विधानमंडल पहुंचे। और विधानमंडल पहुंचे तो बीजेपी जो है अब सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि जिस उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई के द्वारा चार्जशीटेड की गई है, उसे जो है अपने साथ ला रहे हैं। वो तो भ्रष्टाचारी मुक्त की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, लेकिन वो साथ में क्यों लाए हैं, उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए उप मुख्यमंत्री को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, हम लोग मांग करते हैं कि वो जो है तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरह से वो भ्रष्ट हैं और एक पद पर हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले जो है संजय सरावगी का बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, और जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री खुद चार्ज सीटेड हो, और पूर्व में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, अविलंब उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। और समाज कल्याण मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगी गई, उन्होंने मीडिया में दिए हुए बयान में कहा कि मुझ पर दबाव है, पैसा भी दिया गया, रिवाल्वर दिखाया गया। जब राज्य के मुख्य समाज कल्याण मंत्री का ये हालत है, उनके परिवार का ये हालत है, और उप मुख्यमंत्री चार्ज सीटेड है, तो अविलंब जो है इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को सही से जवाब देना चाहिए। संजय जी, इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे आज इस्तीफा? नहीं, हम लोग तो निश्चित रूप से इस राज्य का उप मुख्यमंत्री चार्ज सीटेड है, उसको अविलंब या तो बर्खास्त करना चाहिए या उनको इस्तीफा उनसे लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। और कानून व्यवस्था पूरे राज्य में ध्वस्त है, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसा दिए हुए किसी के साथ कोई काम नहीं रहा। खुद समाज कल्याण मंत्री जो बिहार सरकार के हैं, उनके बेटे से रंगदारी मांगी जा रही है, 10 लाख रुपया रंगदारी उन्होंने मीडिया में दिए हुए बयान में कबूला है। आप चाहते कि उस पर दबाव पड़ रहा है केस को खत्म करने के लिए। संजय जी, ये तमाम चीजें इसको लेकर के आप लोग आज क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग इस्तीफा मांगेंगे, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री चार्ज सीटेड हो, वो राज्य में कैसे सरकार चलेगी, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त की आप बात करते हैं, तो अविलंब उप मुख्यमंत्री को देंगे कि नहीं? अगर सरकार सही से जवाब देगी तो हम सरकार से हम सदन चलने देंगे। जो राज्य के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो उप मुख्यमंत्री खुद चार्ज सीटेड हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अगर सरकार की मंशा सही है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो और जो मुद्दे हैं उसका जवाब देगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आप सुन रहे थे संजय सरावगी का, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई के द्वारा चार्ज सीटें है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग इस्तीफे की मांग करते, वहीं पर सीएम नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़ा कर दिया और कहा है कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, लेकिन देखिए किस तरह से अपने साथ भ्रष्टाचारियों को ला रहे हैं। और ये जो है मानसून सत्र छोटा है और इसमें जो है सरकार जवाब नहीं देना चाहती है सवाल का। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहे इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।